ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए व्हाट एनर्जी वी आर गेटिंग ओवरऑल। ओके, सो एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं भाई, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जी हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सच से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और स्पेशली जब वो खुद से रिलेटेड हो या आपसे अटैच किसी भी आपसे जुड़ी किसी भी चीज़ से हो, तो सच को एक्सेप्ट करना सही होता है। अब चाहे वो कुछ देर के लिए आपको दुख दे, लेकिन आगे चल के आउटकम जो होने वाला है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। ओके, सो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, एटलीस्ट खुद को सच बोलिए और एक्सेप्टेंस में आइए और खुद से मत छुपाइए या भागिए मत, उस चीज़ से अवॉइड मत कीजिए। चलिए अब देखते हैं एंजल्स किस बारे में ये कहना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, सो हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, जल्दी ही आउटकम भी निकलेगा उसका और आउटकम पॉजिटिव ही होगा वंस यू एक्सेप्ट इट एंड यू डोंट यू स्टॉप रनिंग आफ्टर इट या यू स्टॉप रनिंग फ्रॉम इट, रनिंग अवे। ओके, चलिए लव लाइफ की अगर बात करें लियो, तो आपकी तरफ से मुझे कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपने खुद को बैलेंस किया है, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है। हो सकता है आप किसी के साथ ऐसा कोई ऐसा है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। आई थिंक फाइनली इट्स अबाउट लाइक आप वो उस एनर्जी में आ गए हैं कि बस अब बहुत हो गया, आपने बहुत कुछ टॉलरेट कर लिया। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं वो ऑन ऑफ कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, आप ऐसी सिचुएशन में हैं। नाउ आउटकम की अगर बात करें फॉर दिस वीक, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिविटी या हो सकता है लॉट ऑफ 3-3 एनर्जी। दैट मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, आउटर इंटरफियरेंसेज हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं। ओके, मैरिड कपल्स के लिए भी है ये। ओके, सबके लिए है ये रीडिंग। तो शायद हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हैं जहाँ पे सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, और लेकिन स्टिल आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ लाइक एंड ऑफ अ सिचुएशन, ये एंड नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ओपन अप हो सकती हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा आउटकम दिखाई दे रहा है। और थोड़ी ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मुझे ऐसे लगता है कोई आना चाहता है बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, हो सकता है किसी को जैसे कोई रोक रहा होता है, उनको आपके पर्सन को कोई चीज़ रोक रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है। एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, गो अहेड एंड मेक। तो हो सकता है कि एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि इट्स अबाउट एक्सप्रेशन, कि एक दूसरे को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, कनेक्शन थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो। हो सकता है आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है इस टाइम पे वो सही नहीं है या उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। बेसिकली इट्स अबाउट कि आप किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो बार बार आपकी लाइफ में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे हैं या उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से आप भी आपने भी अपने आप को थोड़ा सा क्या बोले उसको कि अल्टीमेटम दे दिया है, या आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ गार्ड करके चल रहे हो कि हाँ कोई बात नहीं, अब की बार इस पर्सन को समझना होगा। तो वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल। सो ओके, सो अभी आपकी पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको लियो। ओके,
तो आपके जो पार्टनर है, सी दे वॉन्ट टू मेक लव विद यू, हो सकता है आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, और शायद हो सकता है अगेन उनको रिपेंट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया, और उनको लगता है कि काश वो चीज़ों को ठीक कर पाए, या उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है या कह दिया है, सो विश आई कुड रिवाइंड एवरी थिंग और कुछ बेटर कर पाए, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विद यू बट आई कांट. वो आपके साथ आना चाहते हैं बट दे कांट यू नो बी विद यू. कुछ तो हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, ओके, जिनकी वजह से वो शायद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिपेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कुछ चीज़ों को रिवाइंड करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, या उनको अपने किसी फैसले पर दुख हो रहा है, या मिस्टेक यू नो ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में. ये एनर्जीज हमें आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है. वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, हो सकता है आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, बट उनका ये कहना है कि आप बिना बोले भी बात कर सकते हैं आपस में, लाइक इट्स लाइक टेलीपैथिकली. सो ऐसी एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, ये आपको कहना चाह रहे हैं, ओके. तो इन वन वर्ड अगर हम बात करें, व्हाट्स द आउटकम फॉर दिस वीक, अगर हम इस वीक की बात करें, तो अगर आप लोग दूरी हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन है या कुछ सिचुएशन ऐसी है, ओके, सो आउटकम आई थिंक इट्स अबाउट इन द फ्यूचर. हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट करें या बात हो जाए आपकी, ओके. आपके लिए यही है कि आप जिस जोन में आप रहिए, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा यू नो आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, देन आई थिंक आप अपने सेफ जोन में रह सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा. यू हैव टू गिव इट अ टाइम. पॉजिटिव रहिए, एंजल्स कह रहे हैं बी पॉजिटिव. आपकी जो सिचुएशन है, होप मत लूज़ कीजिए, ओके. थोड़ा सा टाइम दीजिए. चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ये करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो करियर वाइज पेज ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, वेरी एनर्जेटिक. आई थिंक करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है. इट्स लाइक कुछ नया सेटअप है, आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, बिजी रहने वाले हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये हफ्ता करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है. एक्सप्लोर और मे बी वेरी गुड वीक फॉर यू नो लाइक ग्रोथ, आगे बढ़ने के लिए, या अगर कुछ सेटअप करना है, अगर कुछ नया बिजनेस भी स्टार्टअप करना है, इवन जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आपको फाइनली वो मिल सकती है, या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं. सो अल्टीमेटली अच्छा होगा चॉइस, यू नो, और पार्टनरशिप्स एज वेल, एंड मे बी समथिंग टू सेलिब्रेट. यस, कि आप कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं अपनी यू नो आने वाले समय में, लाइक इट्स अबाउट अ सेलिब्रेशन काम को लेके, कि अरे आपने ये अचीव कर लिया. सो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी. सो गिव अप मत कीजिए, एंजल यही कहना चाहते हैं, डोंट गिव अप. ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि व्हाट मैसेजेस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओह, सो यहाँ पे ये नन यांग एनर्जी है, ओके. तो मुझे ऐसा लगता है वट एवर इज़ हैपनिंग हैपनिंग फॉर अ रीज़न. पेशेंस रखिए, एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके. अपने आप को बैलेंस्ड रखिए, ये मैसेजेस आ रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स ये सक्सेसफुल वीक हो सकता है आपके लिए, विक्ट्री सक्सेस का कार्ड आ रहा है. तो अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेशेंस और, एंजल्स कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, कुछ बहुत अच्छा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपकी सोल को एनरिच कर सकता है, आपको कंप्लीट कर सकता है, या आप काफ़ी अच्छा महसूस कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, ओके. अगर आप हार्ट ब्रोकन है तो मुझे ऐसा लगता है, अगर हार्ट ब्रोकन या शैटर्ड फील कर रहे हैं, देन ऑल्सो एंजल्स कह रहे हैं कि घबराइए मत, थोड़ा सा पेशेंस रखिए. आई थिंक इट्स लाइक कुछ बहुत ही पॉजिटिव. अब वो हो सकता है कि मान लीजिए आप सिंगल हैं, तो कोई बहुत अच्छा मैच आपको मिल सकता है, या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या यू नो आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा एक चेंज आ सकता है, वेलकमिंग चेंज. इट्स ऑल्सो अ लाइफ साइकिल, कि साइकिल इज़ गोइंग टू चेंज, और न्यू साइकिल इज़ बिगनिंग, ओके. कि एक नया साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होने वाला है यहाँ से, जो काफ़ी सारे बदलाव लेकर आ सकता है. चलिए एंजल से बाबा से देखते हैं, बाबा का क्या मैसेज आ रहा है आपकी सिचुएशन के हिसाब से. फेस द पेन, ओके. बाबा कह रहे हैं कि ये जो पेन चल रही है उसको फेस कीजिए. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, आपके मन में क्या चल रहा है, जो भी पेन चल रही है, जो भी है, ठीक है, उसको रिजिस्ट मत कीजिए, ब्लॉक मत कीजिए, ओके. उसको
फेस कीजिए, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है यही आपको निखारेगी, यही आपको आगे लेके जाएगी और आपकी लाइफ में वो हारमोनी आएगी। लेट देयर बी हारमोनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल। देखिए माइंड बॉडी एंड सोल दैट मीन्स कि प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, सो बेसिकली दीज आर अबाउट चक्रास। सो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपने माइंड बॉडी और सोल को एक सिंक में बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट डिस्टर्ब। तो जो भी हो रहा है, बाबा कह रहे हैं कि खुद का दिमाग यहाँ मत लगाइए, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। देखिए यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे पेशेंस, दिस इज़ ऑल्सो डिवाइन टाइमिंग। पेशेंस का मतलब टाइम, वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, और सक्सेस आपको मिलेगा और कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट होने वाला है, लाइफ साइकिल एक कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे भी बाबा कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू, अगर आपके लिए कुछ बना है तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। ओके, तो ये एनर्जीज हमें आ रही हैं फॉर ऑल द लियो पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।